औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे नसीरुद्दीन हुमायूँ के बारे में बयान करेंगे कि उसने किस तरह तलीम हासिल की और अपने वालिद के ज़ेरे साया किस तरह वो जंगों में हिस्सा लेता रहा। तो ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा नसीरुद्दीन हुमायूँ 1508 में पैदा हुआ। तो ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने बेटे नसीरुद्दीन हुमायूँ की तलीम व तरबियत की तरफ ख़ास तवज्जो दी। उसको पढ़ाने के लिए अच्छे असातिज़ा का तकरर किया ताकि हुमायूँ जो है वो अच्छी तलीम हासिल कर सके। तो हुमायूँ ने जल्द ही फ़ारसी, अरबी और तुर्की ज़बान पर अबूर हासिल कर लिया और इसके साथ जदीद अलूम जिनमें रियाजी और इल्म नज़ूम वग़ैरह थे उन पर भी अबूर हासिल कर लिया। तो नसीरुद्दीन हुमायूँ ज़हीरुद्दीन हुमायूँ के ज़ेरे मुख्तलफ़ जंगों में हिस्सा लेता रहा। तो नसीरुद्दीन हुमायूँ के वालिद ज़हीरुद्दीन हुमायूँ ने नसीरुद्दीन हुमायूँ को बदख्शां का हाकम करार किया और उसके साथ अच्छे मशीर और वज़ारा का तकरर किया ताकि वो मेरे बेटे नसीरुद्दीन हुमायूँ को अच्छे मशवरे दें। तो इसके बाद जब पानीपत की जंग हुई तो उसमें भी नसीरुद्दीन हुमायूँ ने भरपूर हिस्सा लिया और ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने बेटे की कारकर्दगी पर फ़ख्र महसूस किया। तो बाद हज़ां ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपने बेटे को आगरा की तरफ रवाना किया ताकि वहाँ पर जो ख़ज़ाना है और जो अमारात हैं उन पर जाकर कब्ज़ा कर सके। लेकिन जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने नसीरुद्दीन हुमायूँ को आगरा भेजा तो नसीरुद्दीन हुमायूँ ने अपने साथ जो सिपाही थे उनको लूट मार से रोक दिया और किसी भी किस्म की ज़्यादती से रोक दिया। तो बाद में नसीरुद्दीन हुमायूँ ने अफ़गानों के ख़िलाफ़ मुहिम में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। लेकिन बाद में वो फिर बादशाह की तरफ रवाना हो गया। तो ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात के बाद उसका बेटा नसीरुद्दीन हुमायूँ 1530 में तख्त नशीन हुआ। तो उसके सामने सबसे पहले जो मरहला पेश आया वो था इंतज़ामी मसाइल। तो नसीरुद्दीन हुमायूँ ने जब ख़ज़ाना देखा तो ख़ज़ाना खाली हो चुका था क्योंकि ज़हीरुद्दीन बाबर वो ख़ज़ाने की रकूम को अपनी फ़ौज और सिपाहियों पर खर्च करता था। तो इस लिहाज से ख़ज़ाना खाली था। ज़हीरुद्दीन बाबर जो था वो अच्छा हुक्मरान था लेकिन उसकी निस्बत उसका बेटा नसीरुद्दीन हुमायूँ कमज़ोर हुक्मरान समझा जाने लगा और वो अरूज हासिल ना कर सका जो उसके बाप ने किया। इसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने
आपने बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं को नसीहत की थी कि सब भाई आपस में इकट्ठे रहें और इत्तफाक इत्तेहाद कायम रखें और मिलकर हुकूमत करें। लेकिन ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात के बाद उसके बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं ने अपने भाई कामरान मिर्ज़ा को काबुल और कंधार का इलाका दे दिया। इसी तरह अस्करी और हंदाल को दूसरे इलाके दे दिए। तो जब नसीरुद्दीन हुमायूं पर मुश्किल वक़्त आया और मदद के लिए अपने भाइयों के पास गया तो भाइयों ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। तो आज हमने नसीरुद्दीन हुमायूं के मुतल्लक, उसकी इब्तदाई ज़िंदगी के मुतल्लक, उसकी तलीम के मुतल्लक बयान किया है। तो ये आज नसीरुद्दीन हुमायूं का इंट्रोडक्शन है, यानी हिस्सा अव्वल। तो इसके बाद हम आगे जाकर हिस्सा दो बयान करेंगे कि नसीरुद्दीन हुमायूं ने बाद में किस तरह हुकूमत कायम की, उसका किस किस के साथ मुकाबला हुआ। तो मुगलिया ख़ानदान का जो पहला बादशाह था ज़हीरुद्दीन बाबर, तो आज मैंने लेक्चर दिया है उसके बेटे नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में। तो आगे जाकर हम उसकी हुक्मरानी का सिलसिला बयान करेंगे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।